जनपद हापुड़ तमंचा शूटिंग साइट बन गया है। पिछले कुछ दिनों से हथियार के साथ वायरल हो रही फोटो और वीडियो इसी बात की ओर इशारा कर रही है। जनपद में आए दिन हथियारों के साथ फोटो और वीडियो वायरल हो रहे हैं। ताजा मामला जनपद हापुड़ के थाना धुलाना क्षेत्र के गांव ककराना का बताया जा रहा है, जहां एक युवक की वीडियो हथियार के साथ वायरल हो गई। पुलिस युवक की पहचान में जुट गई है। वीडियो है जिसमें प्रतीत हो रहा है कि उसके बाद अवैध असलाह है, उसकी शिनाख्त की जा रही है कि वो कहाँ का है, उस युवक का नाम क्या है। संभवतः ये पुराना वीडियो है जो किसी ने दोबारा डाला है। जल्दी इसकी गिरफ्तारी की जाएगी, चेक किया जाएगा कि हथियार कैसा है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और ये युवक शौकिया तौर पर हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं। एलर्जी, चर्म रोग की दवाइयों के लिए संपर्क करें 9837509509 पर। पिछले 6 महीने में कई ऐसे मामले आए हैं, लगभग 10-12 ऐसे मामले आए हैं। इसमें कुछ पुराने वीडियो हैं जो रिसाइकिल होकर आए हैं, कुछ टिकटॉक के वीडियो और कुछ फोटोग्राफ्स। इसमें अधिकांश केसेस में लोगों को हिरासत में लिया गया है। अधिकांश लोग ये युवा हैं, तो 19 से लेकर 25 वर्ष के हैं। ये कुछ नाबालिग बच्चे भी थे। उनको हिदायत दी गई है, काउंसलिंग दी गई है कि ये आपके करियर के लिए नुकसानदेह है। अधिकांश मामलों में ये टॉय गन, टॉय पिस्टल मिली है। पेरेंट्स को बुलाया गया, समझाया गया है। और कुछ एक ऐसे मामले भी हुए जिसमें अवैध असलाह भी मिला है, उसमें गिरफ्तारियाँ की गई हैं और युवाओं को अच्छे से समझाया गया है कि इस तरह का अवैध असलाह का प्रदर्शन करना, उनका इस्तेमाल करना उनके लिए हानिकारक है और उसमें उनको कड़ी सजा दिलवाई है। फिलहाल अधिकांश केसों में जो मुझे याद आ रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा युवक नहीं है जिसका कोई आपराधिक इतिहास हो। ये शौकिया ये लोग फिल्में देख के या टीवी सीरीज देख के अवैध असलाहों का प्रदर्शन करते हैं। ऐसा कोई वीडियो भी नहीं आया है, एक वीडियो को छोड़ के चुनाव भी 10 बार वायरल हुआ था। किसी वीडियो पर फायरिंग भी शायद नहीं की गई। उसमें अधिकांश जो हथियार हमने बरामद किए हैं वो चालू हालत में भी नहीं है, लेकिन फ़ोटो खिंचवाने और वीडियो खिंचाने का वो शौक जो चला आ रहा है, इस कारण ऐसा किया जा रहा है। मेरी युवाओं से अपील है कि इस तरह के वीडियो का प्रदर्शन, इस तरह के हथियारों का प्रदर्शन ना करें। उनके करियर को नुकसानदेह होगा और उनका आपराधिक इतिहास उनका माना जाएगा, बढ़ेगा, उनको नुकसान ही होना है। उनको उससे ऐसा प्रदर्शन ना। पुलिस की अपील है कि कोई भी हथियारों के साथ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें।